कहते हैं कि आत्मविश्वास अच्छा होता है, लेकिन अति आत्मविश्वास होना बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को कौन समझाए ये बात? कांग्रेस के नेता जो भाषण दे रहे हैं लगातार, उनमें वो अति आत्मविश्वास झलक रहा है जो उन्हें उपचुनाव में डुबाने की तैयारी भी कर रहा है। ये हम क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे, किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं जैसे मुरारी लाल मीणा जैसे नेताओं के भाषणों में ये जो अति आत्मविश्वास झलक रहा है, केवल और केवल पायलट के सहारे रह जाना क्या उपचुनाव में इनकी नैया को डुबा जाएगा, इन तमाम सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से उपचुनाव है, प्रचार प्रसार का माहौल है, तमाम सारे नेता अपनी कमर कसकर उतर पड़े हैं चुनावी रण में, इसी बीच तमाम तरह के बयानबाजी भी आ रही है सामने, और उन बयानबाजियों को अगर आप सुनेंगे तो पाएंगे कि एक तरफ तो बेनीवाल के डर की झलक भाषणों में दिख रही है, दूसरी तरफ मुरारी लाल मीणा ने जब ये बयान दे दिया कि पायलट के नाम से अगर पत्थर को भी आप चुनाव में उतार देंगे तो वो भी जीत जाएगा, तो क्या जनता इतनी बेवकूफ लगती है कांग्रेस को, आपका क्या देखिए साफ तौर पे इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है मुरारी लाल मीणा के द्वारा कि वो जितने ज्यादा घमंडी है और जितना ज्यादा घमंड उनके मुंह से निकल रहा है उतनी ही ज्यादा विनम्रता में पायलट काम करते हैं। सचिन पायलट ने हाल ही में कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा का मैं तब भी सम्मान करता था, आज भी सम्मान करता हूं, आगे भी सम्मान करता रहूंगा, सम्मानित नेता है वो और लोकप्रिय भी है वो, अब तो ये इलेक्शन की बात है किसकी तरफ पाला आता है, किसकी तरफ जनता जाती है, लेकिन सम्मान हम उनका पूरा करते हैं, ये पायलट की विनम्रता है। और मुरारी लाल मीणा जिस तरीके से बोल रहे हैं कि पत्थर भी दे दो पायलट पायलट को, पायलट के नाम पर पत्थर भी जीत जाएगा, ये उनका घमंड है। तो ये चरित्र बताता है आपको दोनों पॉलिटिशियंस का। सचिन पायलट के लिए लोकप्रियता आदर सिर्फ उनके इस विनम्रता और व्यवहार की वजह से है जो मुरारी लाल मीणा में कतई नहीं है। और पिछले जो भी वक्त मुरारी लाल मीणा दौसा में रहे, दौसा में जीत कर रहे, उसमें यही घमंड जो है वो लोगों को मिला है। उनके कामकाज वो जब लेके जाते थे उन के पास, मुरारी लाल मीणा उनको मिलते तक नहीं थे, मुरारी लाल मीणा ने किसी के काम नहीं करवाए, मुरारी लाल मीणा इसी घमंड से जनता के बीच में जाते रहे। ये सचिन पायलट की वजह से नहीं, अगर हारेंगे ये चुनाव कांग्रेस तो मुरारी लाल मीणा की इन हरकतों की वजह से ही हारा जाएगा। घमंड में चकनाचूर जो वो हो रहे हैं उसी की वजह से सब कुछ खत्म होगा। और साफ और सीधी सी बात है, जितना हम दौसा में घूमे, जितना हमने दौसा में बात किया जनता से, जनता का एक ही बात का कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा या उनके भाई जगमोहन मीणा, इनसे गरीब से गरीब आदमी आसानी से मिल सकता है, बात कर सकता है, समस्या बता सकता है, समस्या का निपटारा करवा सकता है। किरोड़ी लाल मीणा का दरबार हमेशा से जनता के लिए, गरीबों के लिए खुला रहा है और मुरारी लाल मीणा का दरवाजा हर किसी के लिए बंद रहा है, ये ही मेजर मर्म है। देखिए पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जनता अपने नेता को जिसको वो चुनती है कम से कम एहसान फरामोश तो नहीं चाहती वो। लेकिन जिस तरीके से मैं बताना चाहूंगी कि जनता भी आराम से ये पूछती है कई बार कि हम लोग किसी को कॉल करते हैं या फिर आपके दर पर वोट लेकर आ जाते हैं लेकिन 5 साल बाद नदारद हो जाते हैं, उन श्रेणी के नेता होने के बावजूद भी क्या आपको लगता है कि सिर्फ पायलट ही इस नैया को पार लगा पाएंगे और नेताओं की ये नहीं है जिम्मेदारी? जनता बहुत समझदार है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता ये जानती है कि 5 साल वोट देने के बाद हमारा काम कौन करेगा, कौन हमारी सुनवाई करेगा, किससे हम बात करेंगे, किसकी सरकार राज्य में है, कौन काम करवाएगी, ये सारी चीजें जनता को पता है। और इसीलिए, और इसके अलावा इसके इतर जाके, इसके आगे जाके जनता ये भी सोचती है कि पढ़ा लिखा कौन है, कौन लॉजिक्स पे हमारे लिए काम कर सकता है, ERCP कौन ला सकता है, ये सारी चीजें जनता सोच रही है। और ऐसे में उन्होंने जो व्यवहार मुरारी लाल मीणा का देखा है, उनके इस वक्तव्य से ही घमंड झलकता तो है, लेकिन इसके आगे बढ़कर भी उनको
लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, वो लोगों से मिलते नहीं है, इसी घमंड में चकनाचूर रहते हैं। सचिन पायलट के फॉलोअर तो वो होंगे, लेकिन सचिन पायलट के गुणों में से उन्होंने एक गुण नहीं लिया, ये भी दिक्कत वाली बात है। वो उसी उसी घमंड में चकनाचूर रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि दौसा का चुनाव दो ही मेजर चीजों पे लड़ा जा रहा है, एक कि गरीब पिछड़े की सुनेगा कौन, दूसरा कि जनरल कास्ट, क्योंकि ये सीट जनरल कास्ट की है, किसकी तरफ जाएंगे, निर्णायक वही होंगे। अब जनरल कास्ट बहुत ही सिंपल सी बात है, ब्राह्मण राजपूत, ये जनरल कास्ट पहले से बीजेपी की वोटर रही है। और तीसरा बड़ा जो पहलू है वो यही है कि राज्य में सरकार जिसकी होगी उस पार्टी को चुनेंगे तो कामकाज जल्दी होंगे। सांसद तो हमने मुरारी लाल मीणा को बना ही दिया है, ये लॉजिक भी काम करेगा। और इस बार जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो अगर टूट गया तो कांग्रेस का जो रिकॉर्ड रहा है उपचुनावों में जीत का वो भी कहीं ना कहीं टूट जाएगा। देखिए कांग्रेस इस बात की आदतन पार्टी रही है, उनको आदत है इस चीज की कि चुनाव से पहले छाती फुलाकर बड़े बड़े वादे कर दे और चुनाव के बाद ये हाथ जोड़ के बोल दे कि जनता ने जो किया उस मैंडेट को हम स्वीकार करते हैं। ये उनकी आदत है, हार मानना कांग्रेस की फितरत में रहा है क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहा है। हाँ, ये लोकसभा चुनाव में कांग्रेस स्केल अप कर गई थी क्योंकि पूरा का पूरा दारोमदार पायलट की तरफ था, अशोक गहलोत चीन से बाहर थे, कांग्रेस ने अपना पैर खुद कुल्हाड़ी को जाकर आमंत्रण पत्र देकर उसके पास भेज दिया। जैसे ही गहलोत को वापस अंदर ले आए और पायलट को वापस से नजरअंदाज किया, आपने देखा कि इस चुनाव उपचुनाव की जो कमेटी थी उसमें रंधावा, डोटासरा और गहलोत बैठे थे, पायलट को दरकिनार कर दिया। ये कांग्रेस ने फिर से एक बार किया है और इसी वजह से कांग्रेस के कारसेवक भी उतने ही ज्यादा है, पायलट के तमाम सारे कार्यकर्ता जो है वो खुश नहीं है इस वक्त। और कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि जो जनता आपको सिंहासन पर बैठाती है वही जनता अपने फैसले से आपको इस सिंहासन से उल्टा पटक भी सकती है, इसलिए उन्हें पत्थर समझने की भूल तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। वैसे तो चुनाव बिल्कुल नजदीक है और नतीजे के दिन जब रिजल्ट आएंगे उस दिन आपको पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है, किसको सिंहासन पर बैठाना चाहती है, किसको उतारना चाहती है। लेकिन ये जरूर समझा देगी कि जो उन्हें पत्थर जैसा समझे, उन्हें वैल्यू ना दे, उनको किस तरीके की वैल्यू देनी चाहिए। और जनता जनार्दन होती है ये किसी को नहीं भूलना चाहिए। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर लिखेगा जरूर आपकी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये लिखना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग से थोड़ा कुछ ज्यादा करना चाहते हो तो MIMS का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग है आपके लिए परफेक्ट। यहाँ सीखो कैसे लिखने का टैलेंट बनाए तुम्हें कंटेंट क्रिएटर प्रो, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या सोशल मीडिया कैप्शंस, सब कुछ लिखना आसान हो जाएगा। प्रोफेशनल राइटर से ट्रिप्स लो, क्रिएटिव लिखना सीखो और अपने पैशन को करियर में बदलो। तो देर मत करो, एनरोल करो अभी सर्टिफिकेट कोर्स इन कॉन्टेंट राइटिंग में और अपने आइडियाज को करो वायरल।